अजीत पवार पर शरद पवार गुट के नेता जयंत पाटिल का बड़ा हमला। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। ये न्यूज चैनल नहीं, आपकी आवाज है। आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है। हम करते हैं सबको खबरदार। महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार पर जोरदार हमला बोला है। जयंत पाटिल ने सोमवार 1 अप्रैल को अहमदनगर लोकसभा सीट से उम्मीदवार राकांपा सपा नीलेश लंके के लिए पाथर्डी शहर में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने अजीत पवार निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लिए असहाय हो जाना अच्छा नहीं है। जयंत पाटिल ने कहा कि आज कुछ लोग कहते हैं कि वे लोगों के लिए काम करने के लिए सत्ता में शामिल हो रहे हैं, लेकिन सत्ता के लिए ऐसी लाचारी स्वीकार करना अच्छा नहीं है। लोग शरद पवार और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे महाविकास आघाड़ी के सदस्य के साथ मजबूती से खड़े हैं। महाराष्ट्र एनसीपी सपा अध्यक्ष ने कहा कि लोगों को भरोसा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मौजूदा स्थिति को बदल सकते हैं। उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को भ्रष्टाचार की एक नई व्यवस्था बताया। उन्होंने कहा कि सरकार विज्ञापनों के जरिए सवाल उठा रही है कि कांग्रेस ने पिछले 70 साल में क्या किया, लेकिन देश 70 सालों में किए गए कार्यों के आधार पर इस मुकाम तक पहुंचा है। जयंत पाटिल ने सरकार को पिछले 10 सालों में अपनी उपलब्धि का उल्लेख करते हुए विज्ञापन जारी करने की चुनौती दी। उन्होंने आगे कहा कि नीलेश लंके ने लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। वह लोगों के बीच लोकप्रिय हैं क्योंकि उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र में जबरदस्त काम किया है। मुझे यकीन है कि वे आम लोगों की आवाज़ को दिल्ली तक ले जाएंगे। आपको बता दें कि नीलेश लंके का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद सुजय विखे पाटिल से है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।